झारखंड विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, जिसमें जीत हासिल करने के लिए बीजेपी एडी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उससे पहले ही सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में राह छिड़ गई है। बीजेपी की ओर से आजसू को कम सीटें दिए जाने के बाद से वो बेहद नाराज है। झारखंड में अभी तक विपक्षी दलों के महागठबंधन में ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, जहाँ सीट शेयरिंग और नेतृत्व को लेकर जेवीएम कांग्रेस और जेएमएम से अलग राह चुनकर महागठबंधन में बिखराव पैदा कर रहा है, तो वहीं अब एनडीए में भी खींचतान की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों दल एक दूसरे को आंख दिखाने में लगे हैं। दरअसल पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने आजसू को 8 सीटें दिए जाने की बात कही थी, जिस पर अब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुदेश महतो ने कहा कि हम लक्ष्मण गिलुआ के बयान को कोई महत्व नहीं देते। उनके इस बयान पर बीजेपी अध्यक्ष की सफाई भी आई है। लक्ष्मण गिलुआ ने कहा कि सुदेश महतो ने जो कहा वह उनका नजरिया है। गिलुआ ने कहा कि उन्होंने 2014 के आधार पर 8 सीट दिए जाने की बात कही थी, लेकिन जो भी निर्णय होगा वो आला कमान तय करेंगे। सीट बंटवारे पर कोई न कोई हल जरूर निकाला जाएगा। आपको बता दें कि 2014 के विधानसभा चुनाव में आजसू से गठबंधन के दम पर ही बीजेपी बहुमत हासिल कर पाई थी। पिछले चुनाव में बीजेपी को 37 सीटें मिली थी और आजसू को 5 सीटें। इस तरह आजसू के साथ से बीजेपी ने सूबे में सरकार बनाई और सूबे में पहली बार किसी पार्टी के सीएम ने अपने 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया, क्योंकि सूबे का इतिहास बताता है कि प्रदेश में कोई भी सीएम अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। इस स्थिति में अब बीजेपी आजसू को मनाने के लिए क्या कदम उठाती है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।